और बात करते हैं पेटीएम में खरीदारी करने की सलाह है। 197 कम्युनिकेशंस कंपनी का नाम है, पेटीएम एनएससी का टिकर, 715 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 9 से 12 महीने के टारगेट है 950 रुपए के, 950 रुपए के। भारत की एक लीडिंग पेमेंट प्लेटफॉर्म है, ये डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है कंज्यूमर्स को, मर्चेंट्स को, बाकी पेमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। 33 करोड़ से ज़्यादा का क्लाइंट बेस है, 2 करोड़ से ज़्यादा के इनके रजिस्टर्ड मर्चेंट्स हैं। और कल यह स्टॉक फोकस में था, कल ड्यूरिंग मार्केट इसके नतीजे आए, नतीजे थोड़े कन्फ्यूजिंग थे बिकॉज जो बड़ा फिगर प्रॉफिट का दिख रहा था वो दैट वॉज बिकॉज कि इन्होंने अपना जो टिकटिंग कारोबार है वो जोमेटो को इसी क्वार्टर में बेचा था तो उसका प्रॉफिट था। बट फिर डिटेल्स देखे और इनकी कमेंट्री सुनने पे पता चला कि ऑपरेटिंग जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा था। फिर कल शाम तक खबरें आई गई कि इनको एनपीसीएल से जो इनके ऊपर बैन था नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने का, जो पेमेंट्स बैंक को दिक्कतें थी वो रिमूव कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अब ये नए कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं और मुझे लगता है अब ये अपनी पास्ट ग्लोरी की तरफ जाना चाहिए ये स्टॉक तो। और बाकी जिस तरह के परफॉर्मेंस सितंबर क्वार्टर में और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, मुझे लगता है 2-3 क्वार्टर में ये भी प्रॉफिट्स में आ जाएगी, एटलीस्ट एबिटा लेवल्स पे। तो जोमेटो टाइप की स्टोरी लगती है, मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। आज थोड़ा 3-4% ऊपर है बट यहाँ पे भी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। 9 से 12 महीने का टारगेट है 950 रुपये का। 9 से 12 महीने में 950 के लक्ष्य के लिए पेटीएम में करें खरीदारी, ये राय सिटी साहब।